रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ये दोनों एनसीए में हैं अभी, और जसप्रीत बुमराह जो कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने फुल टाइम ट्रेनिंग चालू कर दी है, अपनी इंजरी से ठीक हो गए हैं वो बिल्कुल, और रविंद्र जडेजा एनसीए में हैं और अपनी रिकवरी पर और रिहैब पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग शुरू कर दी है बिल्कुल। पर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा है कि वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सबसे बड़ा असाइनमेंट जो भारतीय टीम का अगला असाइनमेंट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चार मैचों की टेस्ट सीरीज, उससे पहले रिस्क नहीं लेना चाहते इन तीनों के साथ, और साथ में कप्तान रोहित शर्मा के साथ भी, क्योंकि रोहित शर्मा भी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं, उनके अंगूठा अभी तक जो है उस पर स्वेलिंग है, और उनकी हेल्थ से भी कोई जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ये सब इंजर्ड हो गए बड़े प्लेयर्स तो फिर सीरीज जीतने में दिक्कतें आ सकती हैं, और हो सकता है कि ये इसी वजह से जो T20 है इंटरनेशनल होने वाले श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से 3 मैचों की T20 है सीरीज होगी बिल्कुल, उससे उस सीरीज में ये तीनों ना खेले बिल्कुल। देखिए मंगलवार को स्क्वाड अनाउंस होनी है भारत बनाम श्रीलंका की, अब तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हवा आ रही थी, सूत्रों से कहीं ना कहीं पता लग रहा था कि जडेजा क्या स्क्वाड का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, हार्दिक पांडे कप्तान होंगे, क्या बुमराह वहां पर वापसी करते हुए नजर आएंगे, तो उस लिहाज से अगर ये दो खिलाड़ी फिट भी हो जाते हैं कम्प्लीटली, ये अपना यूरो टेस्ट क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, काफी हद तक क्लियर कर दिए यहाँ पर BCCI के ऑफिशियल्स ने। उन्होंने कहा है कि जो ये दो खिलाड़ी है उनको लॉन्गर फॉर्मेट पर ज़्यादा फोकस करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि T20 इज नॉट आर फोकस, उससे बड़ी उन्होंने हाईलाइट बात की कि T20 इज नॉट आर फोकस, अभी जो उनका फोकस है वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है, तो उस लिहाज से ये दो खिलाड़ी बहुत ही अहम है। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो हाईएस्ट विकेट टेकर है 2022 टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन्स है, और इनका ना होना कहीं ना कहीं हमको पता लगा कि कितनी अहमियत है इस खिलाड़ी की हमारे स्क्वाड में, और जडेजा भले ही आप इनको दूर रख लेंगे लेकिन कोई और ऐसा खिलाड़ी है नहीं जिनको आप इतना रिलाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वाशिंगटन सुंदर एक कंसिस्टेंट नहीं है, और जडेजा एक ऐसा नाम जो विदेशों में जाके रन करता है, इंपॉर्टेंट विकेट चटकाता है, चाहे फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में भी जडेजा की विकेट आपको फिर भी नजर आएंगी बिल्कुल, तो उस लिहाज से जडेजा और बुमराह को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कंसिडर किया जाएगा, और T20 क्रिकेट के लिए अभी मैं अगर जो होने वाला है श्रीलंका सीरीज से वहां पर उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा बिल्कुल। यही बड़ी अपडेट थी कि ये दोनों दिग्गज, एक ऑलराउंडर दिग्गज और एक तेज गेंदबाज दिग्गज, इन दोनों को T20 के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा बिल्कुल। और तो और रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों की फिटनेस से देखिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि इंग्लैंड दौरा हुआ था जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी खेलने वनडे सीरीज के बाद, बुमराह इंजर्ड हो गए थे, उनके लोअर बैक में इंजरी हो गई थी, उसके बाद जल्दबाजी की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उतार दिया बिल्कुल, और एक ही मैच खेले थे और फिर वहां पर उनकी कमर में दोबारा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, तो इसके वजह से उनको T20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट मिस करना पड़ा और एशिया कप के लिए भी मिस हुए थे, जब एशिया कप के लिए मिस हुए थे, एशिया कप मिस करने के बाद ही वो भारतीय टीम का हिस्सा हुए थे, इसी वजह से बड़ा टूर्नामेंट मिस करना पड़ा, तो आप किसकी कॉस्ट पर आप एक ऐसे बड़े प्लेयर को मिस करा देते हैं, ये जल्दबाजी हमें भारी पड़ी बिल्कुल। यही समझदारी है कि जल्दबाजी ना करें उनके साथ, अभी खैर वो फुल टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं नेट्स में बिल्कुल जसप्रीत बुमराह, तो ये अच्छी चीज है, और आने वाले टाइम में हम उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, हो सकता है कि हम श्रीलंका के खिलाफ वनडे में भी उनको गेंदबाजी करते हुए देखें बिल्कुल, वनडे में शायद आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आए दोनों ही खिलाड़ी, चाहे जसप्रीत बुमराह चाहे रविंद्र जडेजा, लेकिन T20 क्रिकेट का तो हिस्सा नहीं होंगे। और देख इंजरी मैनेजमेंट को लेकर बहुत बवाल उठ रहा था, और रॉजर बिन्नी जब से इलेक्ट हुए उन्होंने सबसे पहले आते ही एक बात की थी कि इंजरीज आर मेन कंसर्न, और हम इंजरी मैनेजमेंट को काफी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव कदम है यहाँ पर बुमराह और जडेजा जैसे ग्रेट प्लेयर्स की इंजरी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल। और कप्तान रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही है, मैनेजमेंट ने सबसे पहले ये बात क्लियर करी कि रोहित शर्मा जब तक 100% फिट नहीं हो जाते हैं बिल्कुल तब तक उनकी हेल्थ से या उनकी फिटनेस से कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आने वाली जो सीरीज हैं वो सबसे बड़ी हैं, या तो ODI वर्ल्ड कप सबसे बड़ा और उस वही सबसे बड़ा मेन कंसर्न है, और एक तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और बस यही है, इसी की वजह से रोहित शर्मा को भी T20 में अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, और हार्दिक पांड्या हो सकता है कि उनके एब्सेंस में कप्तानी करें, और आने वाले हम टाइम में देख भी सकते हैं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि व्हाइट बॉल की कप्तानी हार्दिक पांड्या संभाल ले, देखिए इसका जब ऑफिशियल अपडेट आएगा जरूर हम आपके साथ तब भी शेयर करेंगे, लेकिन इसका कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है।
और तो और बस यही बड़ी अपडेट थी कि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह अभी एनसीए में हैं, एनसीए में तैयारी कर रहे हैं, आगे वाले जो जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं टीम इंडिया के, कह सकते हैं असाइनमेंट आने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप में कोई दिक्कत ना है, इसलिए उनको प्रिजर्व किया जा रहा है और उनकी हेल्थ चेकअप या कह सकते हैं फिटनेस चेकअप लगातार हो रही है वहाँ पर। तो T20 का हिस्सा अभी फिलहाल के लिए ये तीन बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे। बिल्कुल।